जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी, हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? जी। मैं पंजाब से पठानकोट के पास, पठानकोट से बात कर रही हूँ। नाम क्या है आपका? सुलोचना रानी। जी सुलोचना जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ जी, हाँ बोलिए जी, नमस्कार जी, जी। आदाब सुलोचना जी, हेलो जी बोलिए, आपको बताइए। यहाँ पे हकीम साहब सुन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं पंजाब से बात कर रही हूँ, पठानकोट से, सुलोचना जी समझ गया आप। रानी। जी सुलोचना जी, आदाब करता हूँ आपको, आदाब अर्ज। अपना सवाल हाँ बताइए। जी डॉक्टर साहब, मेरा ना काफी 3-4 साल से ना घुटनों में दर्द है। ठीक है, एज बताइए। एज मेरी एज 60 साल की हो गई है। अच्छा, मेरी हम उम्र है आप को। कोई परेशानी की बात नहीं, इस उम्र में तकलीफ हो सकती है किसी को भी, ये कोई बड़ा रोग भी नहीं है अगर आप उसका सही इलाज करें। और बहुत बार बताता हूँ एक ही प्रोग्राम में, ये बहुत मशहूर चीज़ है और बहुत नकली मिलती है, बहुत कड़वी होती है। असली वाली लेना, गौंद स्याह यानी काला गौंद, काला गौंद ले लीजिए। रॉ मटेरियल लेना, पिसा हुआ बिल्कुल मत लेना, और असली लेना, नकली मत लेना बिल्कुल भी। देखिए ये 100-200 ग्राम खरीद लें, इसका पाउडर बना लें घर पे। रॉ मटेरियल लेना है, पिसा हुआ नहीं लेना है। 2 चुटकी सुबह खाने के बाद, 2 चुटकी शाम को, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या अच्छे हालात हैं तो जूस से। अगर ये 100-200 ग्राम गोंद आप यूज़ करते हैं तो ख़त्म होने से पहले आपकी तबीयत अच्छा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं आलोक, गुड़गांव से हमारे साथ। स्वागत है आपका आलोक हेलो। जी, सवाल हाँ जी, कीजिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हकीम साहब नमस्कार जी, आदाब अर्ज। एक्चुअली मेरा नाम आलोक है, मेरी उम्र है 40 साल। एक्चुअली मेरे शरीर में ना शिवरिंग रहती है। ठीक है, अच्छा ठंड लगती है। हाँ, पैर कांपते हैं तो, और बीपी भी रहता है जैसे, तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नुस्खा लेना चाहिए? ये अभी शुरू हुआ है या पहले से है? ये मैं 2-3 साल से महसूस कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा देखिए, 2 अखरोट रोजाना तोड़िए अपने घर में, छिले मत लाना, उसमें ताकत कम होती है। और 10 किशमिश, 2 अखरोट 10 किशमिश रात को सोते वक्त चबा के खा के सोया करिए। और अपने घर वालों से मेरी तरफ से कहिए कि मूंग की दाल से बनी हुई सब्जियाँ, हलवे, खिचड़ी खूब खिलाया करें आपको। मूंग की दाल का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो आपका ठीक होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं विनोद, दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है विनोद आपका। मैडम नमस्कार जी। नमस्कार, आदाब। देखिए मैडम जी, क्या है कि मेरी जो मिसिज है उसकी जो है ना, क्या नाम है, पेट के ऊपर जो है फंगस हो गई है, चेस्ट की तरफ से। एज बताइए उनकी। जी 40 इयर्स। ठीक है। अच्छा देखिए, जहाँ फंगस हुआ है वहाँ तो कोई तेल तो ज़रूर लगाया करें जो भी उनको पसंद हो, जैसे नारियल का तेल, चमेली का तेल, या कुछ भी नहीं तो राई का तेल लगा लें, सरसों का तेल, ये ज़रूरी है। क्योंकि ये स्किन डिजीज़ है तो एक मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। और देखिए 600 ग्राम अलसी ले लीजिए। अलसी आपकी पत्नी जानती होंगी। अलसी को हल्का सा भून के बर्तन से बाहर निकाल लीजिए, ज़्यादा देर तक बर्तन में रखेंगे तो जल जाएगी, तो साफ ज़रूर कर लेना, कंकर बहुत आते हैं। इसका पाउडर बना लीजिए। और एक नमक आता है उसे कहते हैं नमक कलौंजी या एस्टेक कलौंजी, कलौंजी का सत होता है वो, जिसे साइंस की ज़बान में एस्टेक कहते हैं और हम लोग आसान ज़बान में, गांव वाली ज़बान में नमक कलौंजी कहते हैं। तो इसको इसमें मिला लीजिए और 3-4 ग्राम रोज़ाना एक मर्तबा खिलाया करें। और ये 600-700 ग्राम मटेरियल ख़त्म होते होते आपकी पत्नी का ठीक होना मुमकिन है।
चलिए नेक्स्ट कॉलर है रचना हमारे साथ, स्वागत है रचना आपका। हेलो हेलो मैम, मेरी एज है 24 ईयर। ठीक है। मेरे पूरे बॉडी में जलन होती है और चिंडी सी चलती रहती है। एक सर मुझे पहले मतलब पहले तो यहाँ पे लेटरिन के दौरान में खुजली होती थी और जलन होती थी, धीरे धीरे वो पूरी बॉडी में होने लगी। तो अभी भी एक दो साल से तो कम हो गई, अभी फिर से तेज हो गई, पता नहीं क्या होता है। जलन होती है जैसे शरीर जल रहा है। अच्छा बच्चा, उम्र बता दीजिए अपनी। सर 24 साल। ठीक है। अच्छा देखो, ये नुस्खा बता रहा हूँ, आप लिख लो, आप पढ़ लिखे बच्चे हो, पेन कॉपी है आपके पास? देखिए, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम सौंठ और 100 ग्राम नमक कलौंजी। कलौंजी का नमक को कहते हैं नमक कलौंजी। नमक मतलब एस्टेक होता है कलौंजी का, ये इसमें मिला दीजिए। इसका पाउडर बनाइए और रोज़ाना 1 चम्मच 3-4 ग्राम खा लिया करिए। ये सब ख़त्म होते होते मटेरियल आपको पूरी तरह फ़ायदा मुमकिन है। चलिए अगली कॉलर है पूजा बिहार से हमारे साथ, स्वागत है पूजा आपका। हाँ मैम नमस्ते। नमस्ते जी। मैं बिहार से पूजा मिश्रा बोल रही हूँ। मेरे पति का एज 32 ईयर्स है। ठीक है। हाँ जी मैम, उनके ना एड़ी में क्या है कि दर्द रहता है। हाँ तो ठीक जी। और नमस्ते डॉक्टर साहब जी। आदाब। मैं समझ गया आपके पति मेहनती आदमी है क्या आपके पति? बहुत मतलब वो गवर्नमेंट है तो आने जाने से थोड़ा काम ज्यादा रहता है, तो एड़ी में दर्द रहता है। अच्छा बेटा देखो, ये दर्द बहुत अच्छा किया आपने फोन कर लिया। दर्द होते हैं और आदमी ऑपरेशन तक करा बैठता है, ये बहुत आसानी से चला जाता है, महीना दो महीने में ख़त्म हो जाता है और फिर मुद्दतों तक नहीं आता। किसी को भी एड़ी में दर्द हो, एड़ियों में दर्द हो, घुटनों में हो, कमर में हो, जोड़ों में हो, एक अच्छा नुस्खा मैं बहुत मशहूर है मैं बताता हूँ, और वो असली लेना। गोंद स्याह यानी काला गोंद मिलता है, असली लेना, नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है और नकली बहुत मिलता है। ये 100-200 ग्राम खरीद लें और इसका पाउडर बना दें घर में। रॉ मटेरियल लेना, पिसा पिसाया नहीं लेना, और जांच करके लेना। कड़वा होता है बहुत ज़्यादा और महंगा भी मिलता है, 10-12 रुपये वो उसकी खुराक होती है 2 टाइम की। तो इसका पाउडर बना के आप 2 चुटकी सुबह और 2 चुटकी शाम उन्हें खिला दिया करें, या फिर गोलियां बना चने या मटर के बराबर, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खिला दें। ये ख़त्म होते होते आपके पति बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और अपनी हर एक समस्या का समाधान जानना है, कोई भी रोग अगर आपको लगता है लाइलाज हो चुका है तो एक बार हमसे जुड़िए, हमारे कार्यक्रम से जुड़िए। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सौरभ स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। आदाब, बताइए। हाँ हकीम साहब। जी जी फरमाइए। हाँ सर, मेरे को बीपी अस्थिर है मेरी। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा। बीपी आपकी हाई है? कभी हाई होती है, कभी लो होती है। ठीक है। अच्छा अच्छा, उम्र बताइए भाई। उम्र 50 ईयर। 50 साल। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, बीपी और ये उम्र 50+ 45+, यहाँ पर ये सारी समस्याएं सभी लोगों के साथ आने लगी हैं, चाहे कोई भी हो। तो इसके लिए एक नुस्खा है और वो बड़ा कारगर है, लेकिन आपको खुद बनाना है। आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिखें। वैसे तो आसान है, याद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कॉपी पेन है तो लिख लीजिए। देखिए लीबू, लीबू अच्छा वाला, ये जो आप लेते हैं ना पीला पीला कागजी नींबू जिसे कहते हैं, कागजी नींबू 1 लीटर जूस निकालिए, अदरक का 1 लीटर जूस निकालिए, लहसुन का 1 लीटर जूस निकालिए और जैतून का सिरका 1 लीटर खरीदिए, अच्छा किस्म का बाहर का जैतून का सिरका, ऑलिव विनेगर, जैतून का सिरका, इन सबको मिक्स कर दीजिए
तीन चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, तीन चम्मच रात को सोते वक्त, खाने के बाद पानी से आप ले सकते हैं। ये 4 लीटर की जो क्वांटिटी है, ख़त्म होते होते आपकी तबीयत कंट्रोल में आना मुमकिन है। साथ नेक्स्ट कॉलर हैं गुड्डू ढोलपुर से, हमारे साथ स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार वैद्य जी। जी आदाब आदाब भाई, बताइए। हाँ सर, आज से करीब 2 साल पहले एक सीने में हल्की सी एक मस्सा सा हो गया था। अब वो क्या है कि धीरे 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 थोड़ा सा उसने आकार सा ले लिया है, तो गांठ सी बन गई है वो। अच्छा तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है, केवल वे गांठ सी बन गई है। अच्छा बाहर को जाहिर होती है या अंदर की तरफ है? गोश्त के अंदर, गोश्त से खाल पर है, स्किन पर है? हाँ खाल पर है, स्किन पर हल्की सी दिखाई देती है। ठीक है ठीक है। अच्छा इसकी फिक्र मत करिए, ये डिपॉजिट्स होते हैं, यानी जितने भी लोग हैं हेल्दी किस्म के उनके होते हैं, लेकिन पेट में होते, किसी किसी के सीने पर भी आ जाता है, तो उसकी बिल्कुल परवाह मत करिए और उसका कुछ वो भी मत करिए इलाज। एक घरेलू इलाज ऐसा कर सकते हैं कि आप हल्दी का सरसों के तेल में एक लेप सा बना के रोज़ाना उस पर रख के, और कोई मोटी सी रोटी ज़रा सी बना के जो गर्म सी रहे, गरम गरम रख यहाँ पर रख के रोज़ाना रात को सो जाया करें और सुबह को उसको रिमूव कर दें। ऐसा करने से भी ये गांठ ठीक होना मुमकिन है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी मैं मुकेश बोल रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ऋषिकेश से बोल रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। मेरी डॉटर है 4 साल की, तो उसको बाय बर्थ एटॉपिक डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम है। अच्छा। बेबी एक्जिमा, तो उसको हमने एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी दिया, क्रीम भी लगाई है, बहुत बेनिफिट नहीं हुआ। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से थोड़ा बेनिफिट है, तो कोई ऐसा नुस्खा? उसको पूरी स्किन पे रैशेस हो जाते हैं। ठीक है जी। एज बता दीजिए। एज 4 साल। अच्छा देखिए बहुत छोटी बच्ची है, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, और एक इलाज मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो खाने का सोडा है ये आपको लेना है 10 ग्राम, सिर्फ 10 ग्राम, 10 ग्राम। और अलसी जो आपको नहीं पता तो पूछ लेना अपने घर में, ये मम्मी से या पत्नी से अलसी आती है एक चीज़, उसको लीजिए 200 ग्राम अलसी, और उसको हल्का सा भून लें, साफ सूफ करके, और हल्का सा भून के बाहर निकाल लें और इसको पाउडर बना लें। पाउडर बनाएं और इसमें 10 ग्राम ये सोडा खाने का मिक्स कर लें। अब इसको, क्योंकि ये 210 ग्राम हो गया, इसको आप 210 ग्राम शहद में मिला दीजिए, एक पेस्ट बन जाएगा, और दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा सा चटा दीजिए, जैसे उंगली पे जितना आता है, 1 चम्मच का भी 1/4 हिस्सा, यानी 1 रुपये में 4 आने चम्मच जो है वो उसे सुबह शाम खिलाना शुरू करें। मुझे उम्मीद है आपकी बच्ची का अच्छा होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर है ममता हमारे साथ, स्वागत है ममता आपका। जी हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं झारखंड से बात कर रही हूँ। जी जी सवाल कीजिए। सर थैंक यू सो मच पहले कि आप जो मेडिसिन बताते हैं वो मेरी मम्मी रोज लिखती है और डायरी में रखती है और उसका इस्तेमाल भी करती है। मेरी मम्मी को, एक्चुअली मैं मम्मी का पूछना चाहती हूँ, मेरी मम्मी के नाभि टल जाता है, वो उसका कोई घरेलू नुस्खा बता सकते, इलाज बता सकते तो प्लीज बता दीजिए। ठीक ठीक। अच्छा देखिए 2 इलाज बताता हूँ नाभि के, और वो भी एक्सरसाइज है। एक देखिए आदमी को ऐसे सीधा खड़ा हो जाना चाहिए जो भी इसका रोगी है, और अपने हाथ ऐसे यहाँ चिपका लें और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, घुटने ऐसे मिला लें, और ऐसे करके आप वो झुकना शुरू करें, ऐसे बिल्कुल झुकते चले जाएं, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, कमर मुड़े
और अपने पैर छूने की कोशिश करें, अपने पैर छूने की कोशिश करेंगे और चाहे छुए जाएं या नहीं छुए जाएं, लेकिन कोशिश करते रहें। दिन में 3-4 बार ये कोशिश करें तो उनकी नाभि ठीक होना मुमकिन है।